हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का रेस्क्यू कॉल हमें रजौड़ा खुर्द, जो कि महाराजगंज जिले के अंतर्गत देखने को मिला है। दोस्तों, यहाँ पे किसान भाई जो लोग हैं यहाँ पे धान काट रहे हैं, तभी यहाँ ने बहुत बिग साइज़ का एक रॉक पाइथन यानी कि अजगर सांप देखा। इन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोगों के पास संपर्क किया, फिर हम लोग इसको जाकर के सुरक्षित पकड़े, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। लोग फ़ोन करके बुलाए, हम लोग वहाँ पे मौके से पहुँच करके इसको पकड़ के रेस्क्यू किया, फिर उन लोगों को दिखाया और कुछ जानकारी भी बताया, जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ये महाकाल की और अपना विचार ज़रूर प्रकट करें कमेंट में जा करके। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नॉन वेनमस स्नैक होते हैं, जो अजगर होते हैं। इनके अंदर जरा सा भी जहर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके दांत जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, नोकीले दांत होते हैं। अगर एक बार किन्हीं को बाइट कर दे तो मांस से निकाल देते हैं शरीर का। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इनके दांत जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे शेर का पंजे का नाखून होता है वैसे इन लोगों का दांत होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, ये हमारे रेस्क्यू का पहला मतलब अजगर सांप है कि हम लोग रेस्क्यू किए रजौड़ा में जा करके, जबकि आप लोग जानते होंगे ये जिला महाराजगंज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सब धान की कटाई की जा रही थी, वो किनारे जाके बैठा हुआ था शिकार उकार के चक्कर में। दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी उतना भीड़ तो नहीं है, फिर भी जहाँ पे जितने लोग धान उन काट रहे थे वहाँ पे सारे लोग किसान भाई लोग मौजूद रहे, उन्हीं के मौजूदगी में हम लोग पकड़ पाए ऐसे मतलब सांप, जो मतलब वो लोग देख रहे थे। हम लोगों को पहुँचने से पहले वो लोग रखा रहे थे सांप को, कहीं भागने ना पाए। और मैं इन्हीं सब बातों के लिए अब इसको पैक करूँगा, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा छेड़ना अच्छी बात नहीं है। और ये नॉन वेनमस स्नेक होते हैं, अजगर रॉक पाइथन, इंग्लिश नेम रॉक पाइथन है, जो कि जब ये थोड़ा छोटे होते हैं थोड़ा इनका कलर कुछ अलग दिखता है, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो कुछ इन लोगों का कलर अलग हो जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इनका जो मुख्य भोजन होता है, इनका सियार हुए या छेगड़ी के बच्चे हुए या कुत्ते के बच्चे हुए, मतलब उधर आसपास में इनकी भटकते हुए इन लोगों को दिख गए तो ये अपना पकड़ करके खा पी लेते हैं अपना। ये जो मतलब कभी काल बड़े बड़े मुंह से ये खरगोश वरगोश जो जंगल में पाए जाते हैं उन लोगों को भी ये सब अपना निवाला बनाते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है काफ़ी बड़ा होता है, इन लोगों को थोड़ा से भोजन में काम नहीं चलता, इन लोगों को चाहिए बड़ा भोजन। जैसे बकरी का बच्चा ये लोग भी खा लेते हैं, हिरन खा लेते हैं, सियार खा लेते हैं, खरगोश खा लेते हैं, लोमड़ी खा लेते हैं, मतलब ऐसे जानवर ये लोग खा लेते हैं। अगर पा जाए मौके से इंसान के बच्चे भी खा लेंगे, लेकिन तो फिर भी मतलब मौका रहते हुए इंसान देख लेते हैं और जंगल वन विभाग को फ़ोन करके लोग बुलवा देते हैं या रेस्क्यूअर को फ़ोन करके बुलवा देते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग इसको बोरे में पैक कर रहे हैं और पैक करके इसको ले चल के जंगल में सुरक्षित ले चल के छोड़ देंगे हम लोग। अरे नाना, मोबाइल में देख लिए अंदर में काटे थोड़ी बोल जैसे इसको ऑक्सीजन में मुश्किल नहीं है, काट नहीं पाएगा। डिग्गे सांप मिला कैसा भी आप लोग कहीं दिखता है ना तुरंत फोन करके बुलाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग जंगल में आ चुके हैं, अब इसका मुंह थोड़ा खोल ले रहे हैं, फिर इसके बाद
इसलिए नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जो ये अपना ज़िंदगी है, जो बचा कुचा ज़िंदगी अपना ये जंगल में रह के बिता लेगा, क्योंकि अगर गांव में जाता है या खेत बाड़ी में जाता है तो किसान भाई लोग को नुकसान पहुंचा सकता है या कोई जीव को नुकसान पहुंचा सकता है, उधर भेड़ बकरी को और इंसान के बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसी मतलब शक के दायरे में वहाँ किसान भाई लोग पड़वा करके जंगल भिजवा दिए हैं और हम लोग फिर से पकड़ के ला के जंगल में छोड़ दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये जो होते हैं ये धीरे धीरे और भी बड़े हो जाएंगे, एक एक क्विंटल तक हो जाते हैं सब जो सांप होते हैं, 50 किलो, 70 किलो, 90 किलो, 1 क्विंटल अजगर जो होते हैं, इनकी काफ़ी लंबाई जो है अभी आप लोग देख पा रहे हैं 12 फीट की लंबाई। तो ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये बंदरों की आवाज़ है, अजगर को देख के काफ़ी चिल्ला रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया। 20 किलो वजन है इसका, 12 फीट इसकी लंबाई है और ये काफ़ी एग्रेसिव है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत काटने की कोशिश कर रहा है कि मतलब पा जाएंगे तो खा लेंगे। और यहाँ के जो बंदर लोग हैं ये लोग काफ़ी शोर मचाए हुए हैं कि यहाँ पे कौन सा जानवर आ गया है। आप देख रहे हैं कि हमको मतलब रहने में दिक्कत प्रॉब्लम होगी, इस वजह से लोग बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे हैं। उधर करिए, जैसे कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी आप लोग मतलब इस वीडियो में कुछ मज़ा भी आ सकता है। जैसे देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ बंदर ताक रहे हैं कि मतलब ये का क्या आ गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बंदर लोग ताक रहे हैं अजगर को, हम लोग गए हैं छोड़ने के लिए तो चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं उठ उठ के ताक रहे हैं कि क्या चीज़ लाया है इंसान छोड़ने के लिए, वो लोग ताक रहे हैं। आ रहा है इधर, और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ बंदर देख रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं क्या चीज़ लाया है, हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इस वजह से लोग टेंशन में आ गए हैं जो बंदर लोग हैं। अब मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ले जल के छोड़ दूँगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पूरा जगड़ बना लिया है हाथ में, पूरा बांधने की कोशिश कर रहा है। बंदरों का ले लीजिए, ज़ूम करके लीजिए, चिकन चल रहा है ना, पतंग है, हम लोग लाए हैं छोड़ने के लिए। इधर देख लीजिए, इधर बंदरों का जूम करके लीजिए, खेत में था, अरे महाराज आइए उतर के घीच लीजिए। कभी भी आप लोग के घर में या कहीं पे सांप और दिखे तो आप लोग कॉल करके बुला सकते हैं। बड़ा बहादुर आदमी है भैया, पूछा चिकन है, हाँ चिकन है, चिकन है। खड़ा एक बना लीजिए, खड़ा जाएगा।